क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नंपाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे मिन और मैक्स फंक्शन के बारे में, जिसके जरिए हम किसी भी एरे, चाहे वो वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो या थ्री डायमेंशन हो, उस एरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कोड से समझते हैं हम। मैं इंपोर्ट करता हूं नंपाय एज एनपी, एक रैंडम एरे बनाता हूं वन डायमेंशन, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसको मैं कहता हूं कि भाई आपके पास जो है 1 से लेकर 50 तक की रेंज है, और जो है हमें एरे का साइज चाहिए 10। ओके, और इसको प्रिंट करवाते हैं लाइक मैं कहता हूं भाई प्रिंट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है वो है ए। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं हमें जो है हमारा आंसर मिल गया। अब इस एरे में मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं कहता हूं ए डॉट मिन, इसको मैं कॉल कर दूंगा, और इसको मैं कर दूंगा मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू। ओके, अब अगर मैं चलाऊं तो इस एरे के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर हो गई? अब इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मिनिमम वैल्यू की मुझे जो है इंडेक्स भी चाहिए। इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स। इस वैल्यू की मुझे जो है इंडेक्स चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, ARG मिन का जो फंक्शन है ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा, और मिनिमम वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अगर अब मैं चलाऊं तो देखो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, और ये वैल्यू जो है 6 इंडेक्स के ऊपर है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इंडेक्स के ऊपर है। इसको अगर मैं दोबारा चलाऊं तो दोबारा से हमें यही मिल रही है। ये तो बात हो गई वन डायमेंशन एरे की, इसको मैंने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट कोड के ऊपर आते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हम टू डायमेंशन एरे के ऊपर ये काम करते हैं। लाइक मैंने इसको कहा कि भाई जो साइज है, साइज जो है क्या करो आप 2 बाय 3 कर दो, ठीक है, 2 बाय 3 की हमें बनाकर दो। तो उसने हमें एरे बनाकर दे दी 2 बाय 3 की, मतलब टू डायमेंशन एरे, और टू डायमेंशन एरे के अंदर उसने हमें मिनिमम वैल्यू बता दी 13, और उसका इंडेक्स है 4। तो कितने मजे से ये बिल्कुल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फंक्शन को, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, और इसको समझते हैं अब मैक्स। अब मुझे क्या है, मेरा सिनेरियो के मेरे पास जो एरे है वो उसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूं, पहले तो मैक्स कर देता हूं, लाइक जहां मिन लिखा हुआ है सबको मैंने कर दिया मैक्स, ठीक है। और मैक्स करने के बाद मैंने इसको क्या कहा कि ये वाला जो फंक्शन है ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू लाके देगा इस एरे में से, और ये वाला जो फंक्शन है एआरजी मैक्स ये मुझे उसका इंडेक्स लाके देगा। अगर मैं कोड को चलाऊं ये देखो मेरी जो मैक्स वैल्यू है, सबसे जो बड़ी वैल्यू है इस एरे के अंदर वो है 45, जो कि 7 इंडेक्स के ऊपर है। और इसी तरह से ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन के ऊपर भी काम करेगा। ये आपका होमवर्क है, और जो जो ये होमवर्क करते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।